हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विस का जो पेपर है वो 2024 का, उसकी प्री की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और पेपर का एनालिसिस भी हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इस पर मैंने पेपर को अपलोड कर दिया है, दोनों पेपर को। आप वहाँ पर जाके पेपर को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो आप प्लीज़। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी1, तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम इसमें पेपर के एनालिसिस के बारे में। देखो, पेपर का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, पॉलिटी ने बहुत लोगों को बचा लिया है। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए हैं और आईआर से 14 क्वेश्चन आए हैं और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से आप मैं देख सकते हैं 32 क्वेश्चन आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन थोड़े से आसान आए हैं और इन्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चन एवरेज आए हैं और कुछ थोड़े से ब्लंटली 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हैं जो कहीं भी नहीं आपको मिलेंगे। और अगर आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन आए हैं, साइंस एंड टेक में 11 आए हैं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, इसमें कुछ करंट अफेयर के भी आपस में इंक्लूड हैं तो आप उसको भी देख लेना। और सबसे सबसे जो दुखद बात है वो है मॉडर्न इंडिया। हम स्पेक्ट्रम जैसी इतनी मोटी किताब को पढ़ते हैं और वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी पुराने ढर्रे पर चला गया। भाई, मॉडर्न इंडिया से अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे उस समय। आज अब 3-4 साल पहले की बात करें, उस समय तो हिस्ट्री से अगर आप नॉर्मली भी हम बात करें तो 20 के आसपास अगर क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? 8 क्वेश्चन। हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हैं, लेकिन बीच में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़े से घट गए थे, लेकिन इसको फिर से उन्होंने बढ़ा दिया है। मुझे दिन में देख रहा था जब एनालिसिस कर रहा था कि 2014 के आसपास कर 32-33 क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट में, तो उस समय भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी 2013 के हम तुलना करते। तो मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अब हम इस समय की बात करते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ घट जाएगी। तो घटने वाली तो नहीं है, आपने पेपर देख लिया है, पेपर पिछली साल की तुलना में इस बार थोड़ा सा आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप होते हो ना तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, तो और वहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कुछ क्वेश्चन ब्लंटली पूछे जाते हैं जो कहीं से इनका आंसर नहीं मिलता है, और खुद आप इस बात को जानते भी हैं कि जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये 10 से 12 आंसर कम से कम गलत देते हैं। किसी किसी के तो 15 मिलते हैं, किसी किसी के 18 मिलते हैं। उसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कोचिंग से कितने क्वेश्चन गलत हुए थे पिछली साल। और पिछली साल जो कट ऑफ बताई जा रही थी, कई सारे इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो बताई थी ये बताई थी 85 के आसपास कर। अब आप बताइए, 85 कट ऑफ पिछली साल और कट ऑफ गई थी 75 पर, कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको कट ऑफ 78 से लेकर 80 के बीच में बताई थी पिछली साल, तो थोड़ा सा मेरा मिलने का आसपास हुआ है। तो अब मैं आपको फिलहाल यही कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एक बात ध्यान रख लेना आप, कट ऑफ जो आपकी जा सकती है, मैंने आपको पहले भी कहा है 78 से लेके 80 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रख लेना, अगर आपके 78 और 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपके चांस हैं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन के जो आंसर हैं कोचिंग वाले गलत देने वाले हैं। 10 से 12 का मतलब समझ रहे ना, 20 मार्क्स कम से कम, तो उसमें आपका कितना ऊपर नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये आप इस बात को भी ध्यान रख लेना। तो वो आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी वहाँ से सही हो जाएगी। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से अपडेट बता दिया है। तो ये मेरी तरफ से आप लिख स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।